हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक कामाक्षी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप सब? आज की ये वीडियो शोमी के द्वारा लॉन्च किए नए 10,000 mAh फास्ट चार्जिंग पावर बैंक के ऊपर है, जो कि शोमी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। तो आज की इस वीडियो में इसकी पूरी डिटेल देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें कितने इनपुट पोर्ट्स दे रखे हैं, कितने आउटपुट पोर्ट्स दे रखे हैं। तो सारी पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पावर बैंक की अनबॉक्सिंग भी स्टार्ट कर। तो दोस्तों, ये है शोमी का नया 10,000 mAh का पावर बैंक, जो कि एक फास्ट चार्जिंग पावर बैंक है। अगर बैक साइड में आप देखेंगे तो इस पावर बैंक की कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि इसमें कितने इनपुट पोर्ट्स हैं। जैसे इनपुट में टाइप सी और नॉर्मल माइक्रो USB पोर्ट्स दे रखे हैं। आउटपुट के लिए आपको दो USB टाइप ए पोर्ट मिलेगा। अगर इस पावर बैंक के MRP की बात करें तो इस पावर बैंक के MRP लिखा हुआ है 1299 रुपये, जो कि अगर आप Flipkart या Amazon से परचेज़ करते हैं तो यही पावर बैंक आपको 700 से 800 तक में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इजीली इस पावर बैंक को परचेज़ कर सकते हैं। ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। बॉक्स में ऊपर की साइड एक MI का आपको लोगो मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पे स्क्रैच फॉर सिक्योरिटी कोड होगा, क्योंकि बहुत सारे पावर बैंक जब लॉन्च किए जाते हैं उससे पहले इस पावर बैंक के डुप्लीकेट्स आ जाते हैं, जो आप MI की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये पावर बैंक आपका ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि यह पावर बैंक आपका ओरिजिनल है या नहीं है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पावर बैंक कैसा दिखता है और क्या क्या इसमें फीचर्स दे रखे हैं। जैसे आप बॉक्स ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल मिल जाएगा कि इसको पावर बैंक को ऑन कैसे करना है या इसमें क्या क्या फैसिलिटी दे रखी है। साथ ही जिस कोड की बात कर रहा था, जिससे आप अपने पावर बैंक को चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं है, आपको यहाँ पे ये सीरियल कोड मिल जाएगा जब आप यहाँ पर स्क्रैच करेंगे। और यहाँ पर एक लिंक दे रखा है शोमी की तरफ से, जहाँ पे जाके आप उस कोड को डालेंगे तो आप अपने पावर बैंक की ओरिजिनलिटी चेक कर सकते हैं कि यह पावर बैंक आपका ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये आपका यूज़र मैनुअल है। बॉक्स में आपको ये पावर बैंक मिल जाएगा, साथ ही एक नॉर्मल USB केबल मिल जाएगा। पावर बैंक सी पोर्ट होने के बावजूद भी नॉर्मल USB केबल ही मिलता है आपको, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब सारे पावर बैंक सी पोर्ट से भी चार्ज होते हैं। बट शोमी की भी चार्जर आते हैं सी पोर्ट वाले, बट वो पावर बैंक के साथ क्यों नहीं देते। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि पावर बैंक की लुकिंग कैसी है। तो ये है शोमी का नया पावर बैंक, जो कि एक मेटेलिक बॉडी है। इसमें बैक साइड में आपको MI.com लिखा हुआ नज़र आएगा। नीचे की साइड आप देखेंगे तो इसकी कुछ डिटेल्स मिल जाएगी, तो पावर बैंक कितने mAh का है। साथ ही ये पावर बैंक 3i है, मॉडल नंबर आपको मिल जाएगा, कितना इनपुट होता है, कितना आउटपुट है, कितने पोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा मेड इन इंडिया, फ्रंट पे कहीं नहीं लिखा हुआ, फ्रंट पे सिर्फ MI लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसके पोर्ट्स की बात करें तो आपको नॉर्मल दो USB पोर्ट मिल जाएंगे, एक माइक्रो USB मिलेगा और एक सी पोर्ट मिल जाएगा, साथ ही एक पावर बटन मिल जाएगा। ये पावर बटन इसको ऑन ऑफ में काम नहीं आता है, सिर्फ आप इससे अपनी बैटरी चेक कर सकते हैं कि आपके पावर बैंक में कितनी बैटरी है। जैसे यहाँ पे 4 LED जलती है, जैसे आप पावर बटन को पुश करेंगे तो यहाँ पे LED जल रही होगी, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा कि LED कितनी जल रही है, बट यहाँ पे ये अभी चार्ज नहीं है तो सिंगल LED यहाँ पे जल रही है। यहाँ पे 4 LED लाइट्स हैं जो इंडिकेट करती है आपके पावर बैंक में कितना अभी तक बैटरी है, जैसे या कितना चार्ज हुआ है, 25%, 50%, 75% और 100%। तो 25% का गैप होता है। यहाँ पे दो इनपुट दे रखे हैं, आप अपने पावर बैंक को सी पोर्ट से भी चार्ज कर सकते हैं और नॉर्मल माइक्रो USB से भी चार्ज कर सकते हैं। आउटपुट में आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग मिलेगा, इसमें से किसी एक पोर्ट से आप डायरेक्टली फास्ट चार्जिंग यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे पोर्ट में अगर आप दो फ़ोन चार्ज करते हैं तो एक ही फ़ोन फास्ट चार्जिंग करेगा और दूसरा नॉर्मल चार्जिंग करेगा।
अगर लो बैटरी की यूज़ करें, जैसे बहुत सारे गैजेट्स होते हैं जिसमें हमें फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि हो गया आपका ईयरफोन, जहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप इस बटन को दो बार प्रेस करेंगे तो ये लो मोड में चला जाएगा, जिससे आप उन सारे गैजेट्स को चार्ज कर सकते हैं जिसमें फास्ट चार्जिंग की आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दोबारा से फास्ट चार्जिंग करनी है तो आप सिंगल इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये लो मोड से डायरेक्टली फास्ट चार्जिंग मोड में आ जाएगा और आप इजीली अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। अगर इस पावर बैंक की बात करें कि ये कितने देर में चार्ज होता है, अगर आप इसको सी पोर्ट से चार्ज करते हैं तो इसको चार्ज करने में लगभग 4 घंटे का टाइम लगेगा, 4 से 5 घंटे तक का टाइम लग सकता है। और अगर नॉर्मल माइक्रो यूएसबी से अगर आप इसको चार्ज करते हैं तो इसको चार्ज करने में आपको 4.25 घंटे का टाइम लगता है। अगर इसके आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में एक फास्ट चार्जिंग मोड दे रखा है, एक नॉर्मल आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिंगल टाइम आप फास्ट चार्जिंग यूज़ कर सकते हैं और बाकी टाइम आपको नॉर्मल चार्जिंग के लिए आप इसको यूज़ करना होगा। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है कि यहाँ पे सी पोर्ट दे रखा है, क्या हम इससे अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो चलिए इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हम सी पोर्ट से यहाँ पे अपना आउटपुट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो चलिए एक बार फ़ोन चार्ज करके देखते हैं सी पोर्ट से हम चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली हमने देखा जब हमने सी पोर्ट से इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पे हमारा जो पावर बैंक है वो आउटपुट नहीं दे रहा है। सी पोर्ट यहाँ पे इसलिए दे रखा है ताकि आप सी केबल, जो टाइप सी केबल होता है, उससे भी अपना पावर बैंक चार्ज कर सकते हैं। यहाँ आप सी पोर्ट से आउटपुट नहीं ले सकते हैं, आउटपुट के लिए यहाँ पे सिर्फ यूएसबी, जो 2 USB दे रखे हैं पोर्ट, उसी से आप आउटपुट ले सकते हैं और बाकी जो 2 पोर्ट हैं उससे आप इनपुट ले सकते हैं इस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए। अगर ओवरऑल इस पावर बैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 इनपुट पोर्ट मिल जाएंगे, 2 आउटपुट पोर्ट मिल जाएंगे, साथ ही एक पावर बटन मिल जाएगा आपको चेक करने के लिए। अगर इस वेट की बात करें तो ये पावर बैंक नॉर्मल ज़्यादा लाइट में भी नहीं है और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, नॉर्मल कैरिंग करने के लिए है। मेटेलिक बॉडी दे रखी है जिससे आप इजीली कैरी कर सकते। जो पावर बैंक का ऊपर का मेटल है वो काफ़ी सॉफ्ट है, जो काफ़ी इजीली आपके हाथ में ग्रिप भी अच्छी आ जाती है और आप इजीली इसको कैरी भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल है इस पावर बैंक की। अगर ये पावर बैंक आप परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से इजीली परचेज़ कर सकते हैं, जहाँ पर ये पावर बैंक आपको इजीली 700 से 800 रुपये में आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।